करवा रहे थे हमारे गुरु ईसा जी ने, उनके आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने इस देश को अखंडता और एकता के लिए अपना धर्म नहीं बदला, वो हिंदू धर्म में ही रहे। फिर भी जो है गरीब पिछड़े लोगों की इस तरह की जितनी भी बातें हैं, अपना मेहनत के द्वारा काम करना, चरम का काम कर देश के लोगों की सेवा करना, राजा गरीब मजदूरों का, उनको कहा कि जो हरि को पूजे हरि का होए, ऐसा चाहूँ राज में सब लोगों में लयन, सब इस देश के जितने भी हैं गरीब छोटे बड़े मजदूर सभी लोग ये प्रसन्न रहे, ऐसा उन्होंने कहा है। और कि असमानता छुआछूत देव ये गरीबी अमीरी और ये जितने धर्म के काम में हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हो रही थी उसको उन्होंने इस तरह से ना कहा कि भाई प्रेम प्रेम भाव से रहो, स्नेह के साथ रहो, मिलजुल कर रहो, ये बात है। अब जो आगे की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे माननीय संत सुखदेव जी महाराज अखिल भारतीय रविदास समुदाय और समाज संगठन से जो इन्होंने आह्वान किया है, यह आह्वान यह धरना सांकेतिक है, शांतिपूर्ण है। हम कोई हमें हिंसा नहीं कर रहे, हम कोई अशांति नहीं बुला रहे। हम उनसे भी सावधान होना चाहिए जो इस हमारे इस धरने के अंदर बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्व या किसी द्वारा, किसी पार्टी द्वारा या किसी संगठन द्वारा तोड़फोड़ कर इसको बदनाम किया जाए। ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हमारा सरकार से आग्रह है कि उन पर निगरानी रखी जाए। ऐसे तत्वों को जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की और CID की है। हमारे संत जो है बड़े शांत स्वभाव के हैं। हमारे जितने भी अखिल भारतीय समाज के संतों का गुरु रविदास जी का डेरा है, रविदास मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ये देश विदेश के अंदर है, वो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हो रही है। संत जी की अगुवाई के अंदर यह कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सबके केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, दिल्ली सरकार से हमने सबसे आग्रह किया है कि हमारी ये तुगलकाबाद का जो मंदिर है, जो मंदिर है प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, चमार वाला जोर से जो जाना जाता है, जो वहाँ पे उनके हमारे साधु संतों की समाधि भी है, जो हमारे गुरु भक्तों का जो हमें वहाँ मिट्टी के अंदर जो उनका स्मारक बना हुआ है वो हमें वापिस सिखा जाए और हमें एक भव्य मंदिर बनाया जाए। हम उन साथियों के लिए भी रिहाई की मांग करते हैं जो उनको निर्दोष लोगों को जो उनको गिरफ्तार किया है, और जो हमारे दो जवान साथी हैं वो बड़े अभी भी कह रहे हैं कि हमें बताएं, हम बलिदान देने के तैयार हैं, हम खून देने के लिए तैयार। मैं सभी संतों से उनकी इस अगुवाई के लिए, उस पहल के लिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने उस पर ली है। दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा आग्रह को माना और उन्होंने बड़ी 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 विनम्रता से हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारे संतों ने गारंटी दी कि इस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होगी। हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। हम मीडिया भाइयों को और अपने प्रेस बंधुओं से भी कहना चाह रहे हैं हमारी बात सरकार तक पहुँचाए। जो सरकार की एजेंसी है वो ये भी बात जान ले कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम इस देश संविधान को मानने वाले हैं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मानने वाले लोग हैं। आप हमारे बीच के अंदर उत्तर प्रदेश के अखिल भारतीय स्तर पर जो संत रविदास जी का जो समाज को जगा रहे हैं, संत वीर हितकारी जी महाराज जो बुलंदशहर जगमपुर से हैं, उनकी तमाम शिक्षा हमारे को थे वो संत रविदास जी को, जगत गुरु जी को चरणों के अंदर हम लोगों शिक्षा का काम वो करते हैं। वो अपनी भागीदारी देश विदेश के अंदर, पूरे प्रांतों के अंदर, पूरे छोटे छोटे गांवों के अंदर, छोटे छोटे जिलों के अंदर, देश के कोने कोने में जाते हैं। और हमारे KC रवि जी के नेतृत्व में आज दिल्ली का आह्वान है, दिल्ली के तमाम गुरु भक्तों को मैं कहूँगा एक जोर से नारा लगाए, जो बोले सो निर्भय, बोलो गुरुदास महाराज की, बोलो गुरुदास महाराज की, बोलो गुरुदास महाराज की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।